हेलो एवरीवन, नमस्कार। सुप्रभात। हरियाणा बोर्ड से अगर आप 8वीं 10वीं या 12वीं के लिए कोई भी किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है भाई। सबसे पहले तो आधार फोटो जो है उसको अपडेट कर लें। इसके अलावा जो पूरी की पूरी डिटेल है जो आज एक न्यूज के अंदर अपडेट बताई गई है तो वो आपके एग्जाम होने से पहले पहले आपको करवा लेनी है, नहीं तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या किस तरह की समस्या हो सकती है और पूरी की पूरी जानकारी क्या है, वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, हरियाणा बोर्ड के जो परीक्षार्थी है वो फॉर्म भरने से पहले भाई आधार कार्ड में अपडेट कर लें अपनी नई फोटो, नवीनतम फोटो, ठीक है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षा जो मार्च 2021 के अंदर आयोजित करवाई जाने वाली, चाहे मिडिल की हो, सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की हो, तो उसके लिए शैक्षणिक और स्वयं पाठी के लिए भी परीक्षार्थी के आधार कार्ड में नवीनतम फोटो अपडेट करवाए जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष जो डॉक्टर जगबीर सिंह है और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि मिडिल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक व स्वयं पाठी वार्षिक परीक्षा मार्च 2021 के अंदर प्रवेश में होने वाले परीक्षार्थियों के आधार कार्ड में नवीनतम फोटो अपडेट करवाया जा रहा है। इसलिए विद्यालयों के जो भी मुखिया हैं, परीक्षार्थी हैं और स्वयं पाठी परीक्षार्थी अपने आवेदन फॉर्म भरने से पहले अपने आधार कार्ड में नवीनतम फोटो अपडेट करवा लें। उन्होंने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी समय रहते अपने अधीनस्थ विद्यालयों को इस बाबत निर्देशित कर दें। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के साथ जो शेयर करनी थी भाई, ये बहुत जरूरी सूचना है। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, अगर भरना चाहते हो वार्षिक परीक्षा के लिए CTP वगैरह के जो भी फॉर्म होते हैं आपके, तो उसके लिए आप अपना फोटो जो है अपडेट करवा लें भाई आधार कार्ड में, अगर आपका बहुत पुराना है तो। अगर आपका 2 या 3 साल पुराना है तो कोई बात नहीं है, अगर आपका 2 या 3 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो आप उसको अपडेट करवा लें, ठीक है भाई। ये एक छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हैव ए गुड डे।